मैंने साइकिल यहाँ पे खड़ी कर दी है और मैं अब जा रहा हूँ यहाँ पे सेक्टर 14 के पास, एक वो है पार्क, तो मुझे इस पार्क में घूमना होगा आज। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्केचिंग करूँगा यहाँ पे, और काफ़ी लोग अच्छा पार्क है। मैंने अपनी साइकिल यहाँ खड़ी की, मुझे याद रखना होगा इस बात, मास्क हटा लेते हैं, हालांकि और किसी ने लगाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ओह स्केचिंग पैड हो मेरे पास, उम्मीद है कि तो फिर मैं स्केच कर सकता हूँ। देखता हूँ मेरे पास अगर स्केचिंग पैड हो तो, क्योंकि मुझे याद नहीं कि स्केचिंग पैड था या नहीं। ये सीन ठीक है तो इसे ड्रॉ करना होगा मुझे। तो ओके गाइस, बाकी देखते हैं हम, अच्छा सीन है। हाँ तो एक चीज़ गड़बड़ हो गई, मेरे पास स्केचिंग पैड नहीं है, तो अभी स्केचिंग नहीं हो सकती है। कल मैं लाऊंगा स्केचिंग पैड और फिर स्केचिंग करूंगा। बाकी यहाँ बच्चों के कुछ शॉट ले लेता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल हैं। तो इस पार्क में मैंने टहल लिया है, काफ़ी अच्छा है पार्क। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस पार्क को अच्छे से जानते हैं। तो ये पार्क बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों लोगों के लिए है। तो यही है, बाकी ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये भी ये तो सब।
शांति निकेतन जैसा लगता है कि शांति निकेतन में ऐसा ही माहौल है। अगर आप शांति बिचारी कैसी है चिड़िया है, इधर आ जाओ, ओ मैना इधर आओ। तो ये था अच्छा सा जगह, ये काफ़ी अच्छा है, बढ़िया।